નમસ્તે, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. આજ હમ પઢેંગે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્થ, સબ્જેક્ટ હમારા હિન્દી, ચેપ્ટર તીસરા ગિનતી. હેલો સ્ટુડન્ટ, આજ હમ પઢને જા રહે સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્થ, સબ્જેક્ટ હમારા હિન્દી, ચેપ્ટર 3 ગિનતી. આપકી ફેવરિટ હૈ ના ગિનતી? ગિનતી મેં હમને અભ્યાસ 1 પઢા, उसमें हमने गीत गान किया और सीखा. अभ्यास 2 में हमने 1 से 10 के जो नंबर से वो गिनती सीखा. अभ्यास 3 में हमने पिक्चर सीखा. अब हम सीखने जा रहे हैं अभ्यास 4. पढ़िए, समझिए और बोलिए. हमें सिर्फ क्या करना है? पढ़ना है. पढ़ना यानी कि सीखना तो होगा ना, उसके बाद हमें समझना है और बाद में क्या बोलना भी है. आप बोलोगे ना मेरे साथ? चलो हम स्टार्ट करते हैं. चलो मेरे साथ सब बोलना. ओके, एक एक. मैं एक बार अम के सामने हाथ रखूंगी और बोलूंगी तो सकते ही ना, क्योंकि अम बोलते समय हम निकालते क्या है उच्चारण शब्द. दो और यहाँ पर लाइन है, आप देख सकते हैं लाइन है, फिर भी हमें लाइन
ना। अब होगा ये हुआ हमारा चा, च खड़ी पर र, जिसे हम गुजराती में कानू बोलते हैं उसे खड़ी पर कहते हैं हिंदी में, और जो ऊपर लाइन खींचते हैं उसे शिरोरेखा बोलते हैं। ये हुआ पांच। पांच के ऊपर चंद्र बिंदी आवश्यक है, नहीं तो मैं ब्राउन कर देगी और शायद मार्क्स भी कट हो जाएगा। शायद नहीं, पक्का वाला मैं तो करूंगी मार्क्स कट, क्योंकि पांच के ऊपर चंद्र बिंदी आवश्यक है। उसके बाद छ, तीन और छ जैसे बी और डी, ध्यान रखना है ओके। तीन का मुंह इस तरफ है जैसे इंग्लिश में लगते हैं, और सिक्स का जैसे उलट कर देते हैं छ का। छ हम लिखते हैं उसके पीछे ये दो बिंदी आवश्यक है, पीछे ऊपर नहीं। सात, ऐसे छोर पर रखना है सात। आठ इसी है आठ। नौ, नौ में भी हमें दिखना है, एक से उलट वाला जो होता है उसे हम नौ कहेंगे, और नौ के ऊपर दो मात्रा आवश्यक है नौ। उच्चारण बड़ा होता है नौ, ऐसे नहीं एन नौ नौ लिखते वैसा नहीं, नौ दो मात्राएं लगती है। एक शून्य दश, ये हो गई हमारी दस तक की गिनती कंप्लीट। आप रिवीजन करना ओके। एक एक ग्यारह, एक दो बारह। हाँ, लिखते समय कई बार गिनती लगती है, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना है एक तीन तेरह। देखिए यहाँ पर लाइन है, फिर भी हमें लाइन खींचनी ही है। एक चार चौदह, चौदह। एक पांच पंद्रह, पके ऊपर बिंदी आवश्यक है। घर में भी ऐसा करना है, द लिखते हैं उसमें क्रॉस करेंगे उसे द्र कहेंगे। पंद्रह, एक छ सोलह, वो इजी वाला है इसलिए उसको कोई आवश्यकता नहीं। एक सात सत्रह, एक यहाँ पर लिखेंगे एक आठ अठारह, अठारह। एक नौ उन्नीस, दो न लगेंगे उन्नीस ओके। उसके बाद दो जीरो बीस ओके। उसमें आप प्रैक्टिस करिएगा, इसलिए आपको आ जाएगा। सुनो अब हम अभ्यास छः, गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अभ्यास छः, काटना इस, यहाँ से यहाँ इस, इसे क्या काटना, इसे काटना नहीं है। क्रमिक में बोलना तो आपको आता है कैसे, एक दो तीन चार, लेकिन फिर लाइन बनानी है। चलो मेरे साथ हम करते हैं, पहले एक, ये रहा हमारा एक, एक के बाद हमें दो ढूंढना है कहाँ पर है, ये रहा हमारा दो। यहाँ से हम लेके जाएंगे दो के पास है, अब क्रमिक करना है हमें, तीन ढूंढना है, ऐसे नहीं इसके पास ये एक कम कर दिया पांच पर नहीं, क्रमिक, क्रमिक यानी एक दो तीन, हम तीन ढूंढना है। यहाँ है तीन, तीन के बाद क्या आता है चार, वेरी गुड। यहाँ से चार नहीं कर सकते क्योंकि काटना बना है, ऐसे करेंगे तो लाइन कट जाएगी, हमें घुमा
सात यहाँ पर है यस सात सात के बाद आठ यहाँ पर रहा आठ। चलो हम जाते हैं आपके पास ऐसे करके रेल से किसी को टच नहीं करना ओके। ये रहा आठ। आठ के बाद क्या आता है नौ। वेरी गुड। अब हम चलेंगे नौ के पास। नौ के बाद क्या आता है वन एंड जीरो टेन यानी कि एक जीरो दस। चलो दस के पास चलते हैं। मैं ऐसे चल रही हूँ आप यहाँ से भी घुमा कर ऐसे भी जा सकते हैं कहाँ से भी जा सकते हैं लेकिन लाइन को काटना मत। दस के बाद एक एक ग्यारह। चलो चलते हैं ग्यारह के बाद एक दो बारह यहाँ है। चलो वहाँ चले यस। बारह के बाद एक तीन तेरह। चलो ढूंढते हैं यहाँ बहुत तो सब कंप्लीट हो गया लेकिन हमें हमारा एक तीन तेरह कहीं पर नहीं दिख रहा है। चलो ढूंढते हैं। दिखाई दिया नहीं दिखाई दे रहा है। चलो ढूंढे ये रहा हमारा बारह के बाद तेरह तेरह के बाद चौदह यहाँ पर। चलो चलते हैं। वेरी गुड। चौदह के बाद एक पाँच पंद्रह उसके बाद जो नहीं है। पंद्रह के बाद सोलह सोलह के बाद सत्रह। मैं ऐसे घुमाना चाहती हूँ देखो यहाँ से घुमा कर यहाँ सत्रह पहनना चाहती हूँ आओगी ना मेरे साथ। चलो आप यहाँ से भी ले सकते थे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे भी और अब मैं आपको दिखा रही हूँ अलग तरीके से भी किया जाता है। ये हुआ सत्रह। सत्रह के बाद अठारह है यहाँ पर है। पंद्रह को हमने ज्वाइन कर लिया है तो हम यहाँ से जाएंगे उस तरफ से भी आ सकते थे। ये रहा अठारह। अठारह के बाद उन्नीस उन्नीस के बाद बीस। अब देखो सत्रह के बाद अठारह यहाँ से फिर से घूमकर यहाँ भी जा सकते थे लेकिन हमें जैसा करना है मैम ने अलग किया हमने अलग किया कोई बात नहीं लेकिन लाइन मत काटना। किसे काटना कहते हैं ऐसे करते हैं उसे काटना कहते हैं। हो गए ना कम्प्लीट। अब हम पढ़ेंगे आगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में क्वेश्चन एक गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। उसमें हमें क्या करना है यहाँ पर अंक लिए थे और ये है शब्द यहाँ पर हमें राइट आंसर लिखना है। लिखना है ना चलो लिखते हैं। इसे क्या कहेंगे आप दो। लिखो यहाँ पर दो। हो गया ना कंप्लीट। वेरी गुड। अब हम दूसरा आंसर लिखने जा रहे हैं। इसे क्या कहेंगे तीन। तो यहाँ पर भी हमें ढूंढना है ये है तीन। अपने आप से आता है तो हम लिख सकते हैं लेकिन सामने है यानी कि हमारी जोड़नी अच्छी रहेगी। पांच यहाँ पर कहाँ पर लिखा है ये रहा पर बिंदी भी है चंद्र बिंदी है। पांच वो लाइन है फिर भी हमें हमारी लाइन तो करनी ही है। उसके बाद है छ यहाँ रहा छ छ हो गया कंप्लीट। उसके बाद है ये क्या कहेंगे हम नौ। ये रहा नौ। उसके ऊपर दो मात्राएं रख रही है ओके। उसके बाद है सत्रह है कहाँ पर ये रहा सत्रह यहाँ पर लिखेंगे सत्रह। उसके बाद जाएगा अठारह ये रहा यहाँ पर अठारह अठारह। उसके बाद है उन्नीस ये रहा उन्नीस। दो न लगेंगे दो न उन्नीस। हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। यहाँ पर आंसर है लेकिन जैसे सही जोड़ में अलग दिया जाता है वैसे यहाँ पर हमें राइट आंसर लिखने हैं वो हमने कर लिया। आप भी सीख जाएंगे ना। वेरी गुड। अब हम अभ्यास खत्म हो गया है। स्वाध्याय स्वाध्याय का प्रश्न दो रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या
अंक आपको पता है ना, संख्या का शब्द भी होता है और संख्या का अंक भी होता है। यहाँ पर हमें अंक लिखना है, एक है उसके बाद क्या आता है, दो। जैसे आप छोटे थे तब मिसिंग नंबर्स इंग्लिश में, वही है। ओके, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, छह। छह के बाद सात लिखा हुआ है, आठ में लिखना है। जो खाली जगह है उसमें क्या लिखना है, क्रमिक रूप से लिखते। नौ के बाद दस, पता है ना कैसे लिखना है। दस के बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद बारह लिखा हुआ है, उसके बाद तेरह, तेरह के बाद चौदह, चौदह के बाद क्या आएगा, पंद्रह। पंद्रह कैसे लिखते हैं, ये छोर ए से होना चाहिए। पंद्रह के बाद सोलह, सोलह के बाद सत्रह। हमें क्या ख्याल रखना है पता है आपको, हमें यहाँ पर जो नंबर है उसके बाद आ जाना चाहिए, इसलिए हमारा सही रूप से। ओके, अठारह के बाद उन्नीस, ए नौ उन्नीस, उसके बाद दो और शून्य बीस। हो गया आपको बॉक्स कैसे बनना था। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न में, रिक्त स्थानों में शब्दों की गिनती क्रमिक रूप से लिखिए। शब्द में लिखना है, क्या लिखना है, शब्द में। लेट्स गो, मेरे साथ चलो, मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए। हमें क्या लिखना है, दो। उस बार हमने अंक में लिखा था, इस बार हम शब्द में लिखेंगे। दो के बाद क्या आता है, तीन। तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद दस। आपको तो सब पता है, अच्छे से सीख लिया, वेरी गुड। दस के बाद ग्यारह लिखा हुआ है, हम लिखेंगे बारह। बारह के बाद तेरह, तेरह के बाद क्या लिखेंगे, चौदह। चौदह के बाद पंद्रह तो कंप्लीट है, अब हम लिखेंगे सोलह। क्या लिखेंगे, सोलह। सोलह के बाद सत्रह, सत्रह के बाद अठारह, अठारह के बाद उन्नीस, उन्नीस के बाद बीस। ये हो गया हमारा कंप्लीट। हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, चैप्टर थ्री गिनती। आपकी फेवरेट है ना गिनती। गिनती में हमने अभ्यास एक पढ़ा, उसमें हमने गीत गान किया और सीखा। अभ्यास दो में हमने एक से दस के जो नंबर से वो गिनती सीखा। अभ्यास तीन में हमने पिक्चर सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं अभ्यास चार, पढ़िए समझिए और बोलिए। हमें सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ना यानी कि सीखना तो होगा ना, उसके बाद हमें समझना है और बाद में क्या करना है, बोलना भी है। आप बोलोगे ना मेरे साथ, चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे साथ सब बोलना, ओके। एक, एक। मैं एक बार अंक के सामने हाथ रखूंगी और बोलूंगी तो शब्द ही ना, क्योंकि अंक बोलते समय हम निकालते क्या है उच्चारण, शब्द। दो, दो। तीन, तीन। हो गया ना। चार, चार। पांच, पांच। पांच में हमें याद रखना है, पा के ऊपर इसे कहते हैं हम चंद्रबिंदी, वो कंपलसरी यानी कि आवश्यक ही होती है। ओके, सब लिखना।
लिख सकते हो ना। उसके बाद आता है द श, द श, उसमें क्या बताओ? एक द लिखना है, एक स, जिसमें खासियत है उसे ही बता रही हूँ। ग्यारह, यहाँ पर ग्यारह जॉइंट है, ओके। उसके बाद बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, पके ऊपर बिंदी लगती है और क्रमें ऐसे नीचे करना है, ओके। उसके बाद सोलह, आपको दिख रहा है ना? यस। सत्रह, एक सात सत्रह, एक आठ अठारह, एक नौ उन्नीस। उन्नीस में दो नौ लिखने आवश्यक है, दो जीरो बीस। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।